20x60 हाउस प्लान। ओके चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आज हमने रखा है 4 बेडरूम के साथ 2 टॉयलेट, किचन, डाइनिंग और ड्राइंग। ओके तो चलिए वीडियो का जो पार्ट है उसको हम यहाँ पर करते हैं कंप्लीट। इंटरनल वॉल और आउटर वॉल का जो मेज़रमेंट है यहाँ पर हमने रखा है 5 इंच का इंटरनल एंड आउटर वॉल। ओके 5 इंच साइज। और यहाँ पर जो हमने रखा है 4 बेडरूम उसका भी स्टैंडर्ड साइज हमने रखा है वहाँ पर, जो साइज एक्चुअल बनाना चाहिए उसको हमने यहाँ पर रखा है। ठीक है और इसमें पार्किंग का भी प्रोविज़न हमने रखा है, बाइक पार्किंग या आपका घर में छोटा कोई स्कूटी है या बाइक है उसका भी पार्किंग हमने रखा है। और रेंट पर्पज़ भी आप इस बिल्डिंग प्लान को यूज़ कीजिए रेंट पर्पज़, क्योंकि हम इसमें बाहर से स्टेयर और इसका जो पोजीशन है बाहर से ऊपर जाने का रास्ता भी हमने रखा है। ठीक है इसके हिसाब से देखिए हमने यहाँ पर बना दिया है। इसके बाद जो साइट का जो आपका वेंटिलेशन हमने रखा है ठीक ही यहाँ पर, तो आप क्या कर सकते हैं इस वेंटिलेशन को आउट भी कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि इस वेंटिलेशन सिर्फ जिसके पास साइड में जगह है उसके लिए रखा है हमने, जिसके पास साइड में जगह नहीं है वो अंदर से उसको वेंटिलेशन रखना पड़ेगा। यही है इसका ड्राइंग का, क्योंकि ये ड्राइंग सभी के लिए बना है, ऐसा नहीं है जिसके पास सिर्फ साइड में जगह नहीं है उसके लिए हम नहीं बनाते, हम सभी का ध्यान रखते हुए सभी का प्लॉट सब प्लॉट का तो उसके लिए हम बनाते हैं। तो इसलिए हमने साइड में जो रखा है ये ऑप्शनल है, आपको अगर लगता है साइड में नहीं चाहिए तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई बात नहीं, आपको साइड में देना ही चाहिए। ठीक है विंडो देखिए स्टार्टिंग में हम क्या क्या रखा है यहाँ पर, तो इधर से हम स्टेयर आप करेंगे, स्टार्टिंग से स्टेयर से आप जाएंगे ऊपर ऐसे, इधर से जाएंगे ऊपर ऐसे ऊपर चले जाएंगे, तो इसके नीचे जो जगह है यहाँ पर बाइक पार्किंग का जगह रखिए। ठीक है इसका भी मेज़रमेंट कितना है देखिए 9 फीट 7 इंच और इधर 11 फीट 7 इंच टोटल लेंथ इधर। ठीक है तो बाइक पार्किंग का जगह हो गया। उसके बाद इधर से घर के अंदर जाने का यहाँ पर गेट मिलेगा आपको, जो भी आपको चाहिए 3 फीट 6 इंच का गेट यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर मेन गेट रहेगा घर के अंदर जाने का, इधर से आप जाएंगे अंदर तो ये आपका लिविंग रूम काम वेटिंग रूम, इसका मेज़रमेंट 9 फीट 2 इंच और इस साइड 9 फीट 11 इंच तो स्टैंडर्ड साइज़ का हमने रखा है। इधर देखिए इधर एक ओपन है, ओपन जगह है इधर, इसके अंदर से आप अंदर आएंगे। ठीक है आने के बाद यहाँ पर हम रखा है ड्राइनिंग का पोजीशन, यहाँ पर ड्राइंग का पोजीशन। ओके डाइनिंग ड्राइंग हमने यहाँ पर रखा है, इसके लिए हम क्या करेंगे इधर एक जो बेसिन है यहाँ पर हम एक बेसिन रखेंगे, वॉशेबल बेसिन है यहाँ पर, तो यहाँ पर डोर रखेंगे। यहाँ पर हमने रखा है बेडरूम। ओके तो इसका भी डिस्टेंस हमने रखा है 9 फीट 2 इंच गैप, क्योंकि देखिए इधर जो जगह है ना इधर पहले हम लिख के देते 20 फीट इधर है। ठीक है और इधर जो है 60 फीट
20x60 का प्लान 1200 स्क्वायर फीट में 4 BHK, ठीक है। तो बेडरूम का साइज़ हमने रखा है 9 फीट 7 इंच और इधर जो है रखा है 10 फीट। इधर विंडो का पोजीशन, इधर विंडो का, इधर भी विंडो का पोजीशन, विंडो। यहाँ पर हमने रखा है किचन, जो ओपन किचन, इधर आप एक आर्च रख सकते हैं इसे किचन के फ्रंट में। तो इसका साइज 8 फीट 7 फीट 6 इंच, ओके। और इधर भी 9 फीट 2 इंच का गैप हमने रखा है, टोटल जो गैप है इधर से इधर तक, ठीक है, 26 फीट 4 इंच का गैप है इधर। तो टोटल आपका इधर से इधर से इधर से इधर तक आपका एक टोटल एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर एक डोर प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर जो गैप है 3 फीट 9 इंच का गैप हमने यहाँ पर रखा है, यहाँ पर ओपन एरिया है। देखिए सब घर में जाने का ओपन एरिया है इधर, टॉयलेट, यहाँ पर टॉयलेट का जगह है। तो यहाँ पर भी एक बेडरूम हमने रखा है, तो इधर जो है 9 फीट 7 इंच और इधर का जो है 11 फीट ऐसे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कॉमन बाथ एंड लैट्रिन का पोजीशन रखा है, जिसका साइज इधर 5 फीट है और इधर जो गैप है 8 फीट है, ठीक है। 5 फीट भाई 8 फीट का एक बाथ एंड लैट्रिन रखा है। उसके बाद इधर देखिए एक टॉयलेट, जो घर के साथ अटैच टॉयलेट चाहिए इसलिए हमने एक टॉयलेट रखा है 4 फीट 2 इंच 6 फीट 2 इंच बाई 5 फीट का एक टॉयलेट इधर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या किया, इधर एक बेडरूम रखा है, ओके, इधर भी एक बेडरूम रखा है। तो बेडरूम, दो बेडरूम में देखिए इधर का जो डिस्टेंस है 12 फीट रखा है स्टैंडर्ड साइज में। यहाँ पर वेंटिलेशन है, यहाँ पर वेंटिलेशन है, यहाँ पर विंडो रखा है, इधर विंडो रखा है, विंडो रखा है, इधर विंडो और इधर विंडो। तो इसमें जो है इधर देखिए, देखिए एक बात, जो विंडो मैंने प्रोवाइड किया एक सिर्फ ऑप्शनल है, आपके पास साइड में कोई जगह नहीं है तो आप विंडो यहाँ पर से आउट कर दीजिए, आउट से, ठीक है। विंडो क्यों रखा है, सभी के लिए ड्राइंग है, सिर्फ ऐसा नहीं है जिसके पास साइड में जगह नहीं है उसके लिए हम ड्राइंग नहीं बनाते हैं, सभी के लिए बनाते हैं। जिसके पास भी साइड में जगह है, जिसके पास साइड में जगह नहीं है, सबके लिए ऑप्शनल है ये ड्राइंग, ठीक है। ऑप्शनल ड्राइंग में ऐसा नहीं होता है सिर्फ अंदर में ही आपका वेंटिलेशन आएगा, आपका साइड में भी वेंटिलेशन आएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये हो गया हमारा प्लान का डिटेल्स, और इधर भी आपको मिलेगा 12 फीट, ओके। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके साथ कुछ कॉलम जो है, कॉलम के बारे में हम आपके साथ शेयर करेंगे, कॉलम कहाँ पर देना चाहिए। तो देखिए स्क्वायर जो पार्ट हमने यहाँ पर रखेंगे, ऐसे हम कॉलम रखेंगे, 1 2 3 4 5 6, ओके, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18 नंबर्स कॉलम यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे। और एक बात, यहाँ पर देखिए 11 + 5 16 फीट से ज़्यादा हो गया या इधर का डिस्टेंस, देखिए इतने यहाँ पर जब डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है तो यहाँ पर हमको कॉलम प्रोवाइड करना चाहिए, नहीं तो हमारा क्या होगा, डिस्टेंस वाइज कॉलम का सब कुछ ठीक से नहीं होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इसके आपके साथ कुछ शेयर करेंगे, इसका साइज़ कितना है देखिए, यहाँ पर 20 फीट × 60 फीट, ओके, 20 × 60 = 1200 square feet। इसका टोटल कॉस्ट आएगा 15 to 20 lakhs, ओके। और जो कॉलम है इसका भी साइज़ आप रखिए, कॉलम का साइज़ देखिए 10 इंच बाई 12 इंच, कॉलम का साइज़ आप रखिए 10 इंच बाई 12 इंच, इधर भी
10 इंच बाई 12 इंच का कॉलम रखिए। तो आउटर वॉल जो है इस है 5 इंच का वॉल और इंटरनल वॉल जो है 5 इंच का वॉल। तो फ्रेंड्स यही था इसका ड्राइंग, अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कर देना। 4 BHK का 1, 2, 3 एंड 4 ओके, तो लाइक और शेयर जरूर चाहिए। चलिए वीडियो एंड करते हैं।